नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरे पास Vivo का Y11 मॉडल आया है अनलॉक करने के लिए, तो मैं आज ये अनलॉक कैसे करते हैं बताने वाला हूँ मैं UMT के जरिए। एक बंदे ने मुझे WhatsApp पे कमेंट किया था कि इसे अनलॉक करके दिखाओ UMT से, इसलिए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से जरूर देखना, इसमें और भी कोई दूसरे प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। तो सबसे पहले हमें इसका जो टेस्ट पॉइंट जो होता है उसे हमें शॉर्ट करना है बैटरी निकाल के, और मोबाइल को कनेक्ट कर देना है USB केबल से। UDL मोड पे मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें हमारा जो पोर्ट है वो लिया या नहीं लिया इसे चेक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट ले लिया है। उसके बाद हमें ब्रांड में जाना है और Vivo को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद मॉडल नंबर को सिलेक्ट कर देना है, हमारा मॉडल नंबर है Y11 Y11, इसे हमने सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट APS का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे Vivo के लिए स्पेशल ऑप्शन दिया है, तो उस पर हमें क्लिक कर देना है और S पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों वैसे आपको भी फॉलो करना है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीका है। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मेट भी हो चुका है और F1 पे रिसेट भी हो चुका है। अब इसे हम ऑन करेंगे तो ये मोबाइल रिस्टार्ट होगा बार बार, ऑन नहीं होने वाला है मोबाइल ये। तो मैंने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मोबाइल रिस्टार्ट हो रहा है, ये ऑन नहीं हो रहा है, ये ऐसे दो चार बार रिस्टार्ट हो रहा है। दोस्तों मैं इसे फिर से इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और इसे EDL मोड पे कनेक्ट करूंगा और जेनरिक Qualcomm को सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट APS का ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं हुआ है, अभी भी हाइड दिखा रहा है वो। तो हम अभी अपने जो टूल को है इसे क्लोज कर देंगे और दोबारा से इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो फॉर्मेट APS का ऑप्शन होता है वो ऊपर नहीं हो रहा है। तो मैं अभी इस टूल को क्लोज कर दूंगा और फिर से इसे ओपन करूंगा। फिर से मैं मोबाइल को EDL मोड पे कनेक्ट कर देना है। आप जैसे कि देख रहे स्क्रीन के ऊपर जो मैंने आपको इमेज दिखाया है वही हमारा टेस्ट पॉइंट होता है, उसे शॉर्ट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट APS के ऑप्शन के ऊपर S और No आएगा, तो हमें No पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे मोबाइल फॉर्मेट नहीं होगा और ना ही EFR के रिसेट होगा, यहाँ पे दोनों चीज फेल दिखा देगा। मगर यहाँ पे जो लोडर सेंड हुआ है उसके वजह से मोबाइल रिस्टार्ट होना बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिक मोबाइल ऑन हो जाएगा,
और एकदम सेफ तरीके से मोबाइल फैक्ट्री रिसीट भी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हर चीज फेल दिखा दिया है, सब रेड कलर में आ चुका है। तो अब हम मोबाइल को ऑन करेंगे। Lands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on. आप देख सकते हैं ये मोबाइल ऑटो फैक्ट्री रिसेट हो रहा है, ये इसका मतलब हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है और इसका लॉक वगैरह भी हट चुका है। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर ऐसे किसी भी प्रॉब्लम अगर जैसे आती है फॉर्मेट के दौरान, अनलॉकिंग के दौरान, तो आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। दोस्तों, ये हमारा मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद दोस्तों।